भाई रे देश की रक्षा, हो सकती ना सीमा पे जवान बिना। अरे सारी प्रजा गाड़ी के माँ, जिस पे सहारा जगत चले, कातिल खूनी इस गाड़ी में सन्यासी और भगत चले, हाड़ी लेके अड़ते चले, उठ के तड़के है भगत चले, किसानों का पड़े पसीना और जवानों का रगत चले, किसानों का पड़े पसीना और जवानों का रगत चले। अरे भला देश ने जाए नहीं कोई भी, मेरा निवेदन है तो थोड़ी बहुत देर की बौछार है। जब जवान सीमा पर 24 घंटे भूखा प्यासा लड़ सकता है तो तुम थोड़ा सा कष्ट नहीं सह सकते, थोड़ी सी बूंदों को सहन नहीं कर सकते। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे बाबूजी, या कह रहे हैं आप घबराए नहीं, बिल्कुल भी हटने वाले नहीं है। तो मैं यही निवेदन कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जितने भी बैठे हैं, या तो जवानों के परिजन यहां पर बैठे हैं, या किसान बैठे हैं जो प्योर किसान है, तो धरती से अन्न पैदा करते हैं। साथियों, लोहे को पिघलाने की ताकत रखता है ये किसान और जवान, जिसके पीछे ये पूरा संसार चलता है और भारतवर्ष चलता है। साथियों, दूसरे नंबर पे किस तरह से लिखा है, एक एक शब्द वर्णमाला में मोती की तरह पिरोया। अरे जय जवान और जय किसानियो, जय जवान और जय किसानियो, शास्त्री जी ही कन्नारा से इन दोनों के कंधे ऊपर भारत देश हमारा से, इन दोनों ने देश की खातर जीवन खोया सारा से, सीमा पे
सीमा पे जवान लड़े और एक तरफ जमींदारा से, सीमा पे जवान लड़े और एक तरफ जमींदारा से। अरे खेती ना, खेती ना किसान करे वो सब रह जा चल पान बिना। सोनू जी, जी हाँ बड़े भाई सोनू जी, जिन्होंने 500 रुपए का पुरस्कार तो पहले दिया और 500 रुपए फिर इस रागड़ी पर खुश होकर के दे रहे हैं। कोई ना कोई शब्द समझ में आया है मेरे भाई के, अपनी नेक कमाई से हमारा सम्मान बढ़ाया, परमात्मा उनका सम्मान बढ़ा करके रखे। चलिए और मकई, ईख बाजरा और मकई बोई जा से ज्वार, गाय भैंस और बैला खातर बोया जा से न्यार, गेहूं चने सरसों के भी ढूके ढू है क्या, देश की धरती सोना उगले अनतन के भंडार, देश की धरती उगले कया जा से जो ठेठ प्रमाण दे।